10 किलो डोडा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। जैसलमेर जिले की नोक पुलिस ने बुधवार को सुबह 155 आरडी के पास नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 10 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक विकास संगवान के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत बुधवार को सुबह थाना अधिकारी पवन कुमार, हेड कांस्टेबल मेघराज, सवाई सिंह, जयपाल सिंह, रामलाल, अस्थाई पुलिस चौकी 155 आरडी के हाथी सिंह, भूपेंद्र, रामस्वरूप, गजानंद व सांवरमल की ओर से पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का गट्टा लेकर आ रहा था, जो पुलिस बल की नाकाबंदी को देखकर बाइक को वापस घुमाने लगा। पुलिस ने तत्काल उसे वहीं रोक लिया और पूछताछ की तो उसने अपना नाम मदासर निवासी महेश पुत्र काछवाराम बिश्नोई बताया। उसके पास मिले कट्टे की तलाशी ली गई तो उसमें 10 किलो डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर डोडा पोस्त वे बाइक जब्त की, साथ ही उसके कब्जे से डोडा पोस्त विक्रय के 67,000 रुपये भी बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीडी न्यूज़ टीम जैसलमेर।